का सामने आ गया है, आगे की चुनौती कैसे देख रहे हैं? आगे की चुनौती यह है कि सबके साथ मिलकर हमको काम करना है और सीट को पार करना है। रंजीता जी, बहुत बड़ा भरोसा जताया है पार्टी ने आप पर, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हमारी रणनीति रहेगी जिस तरीके से मेरे ससुर जी ने पूरी जनता की सेवा करी थी, उसी तरीके से मैं भी सबके साथ मिलकर पूरी जनता की सेवा करूंगी अगर इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। बहुत कम समय बचा है, ऐसे में किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में करना होगा? एक एजेंडा क्या रहेगा आपका? एजेंडा मेरा रहेगा सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ विकास का एजेंडा रहेगा और सबके साथ चलना ही मेरा एक विजय संकल्प रहेगा। लगातार इन सीटों को लेकर देरी हो रही थी, खासकर भरतपुर की सभी की निगाहें भरतपुर तक टिकी हुई थी क्योंकि ये हॉट सीट होने भी जा रही थी। ऐसे में जहां आपको मुकाबला दिया गया है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को आज कैसे देख रहे हैं आप? जो मुझ पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी और उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो रंजीता कोहली हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा है कि जो पार्टी का एजेंडा है वही हमारा एजेंडा रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से उनके ससुर ने पार्टी की सेवा की है, जनता की सेवा की है, उसी लाइन पर वो चलते हुए जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये उनका कहना है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि समय बहुत कम बचा है, जो 25 सीटों में से 24 का ऐलान हुआ है और ऐसे में दो महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है, दो महिला कैंडिडेट पर भरोसा जताया गया है, उनमें वो दूसरी महिला है, एक दिया कुमारी है और दूसरी रंजीता कोहली है, इनको भी मौका दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हालांकि समय बहुत कम है और जब उनका एजेंडा पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जो पार्टी का एजेंडा है वही हमारा है। जिस तरीके से उनके परिवार की ओर से उनके ससुर पार्टी का और जनता का ख्याल रखते आए हैं, उसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी, किस तरीके से इस फाइट को वो मुकाबला करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल एक सीट पर अभी कश्मकश बनी हुई है, दौसा सीट को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक सीट को लेकर अभी भी असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी और फिलहाल 24 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। एक ओर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कमजोर प्रत्याशी उतारने की खबर सामने आई है। उसके बाद राहुल गांधी भी मंथन कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी शुरू हुआ है।